गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज तारीख है 19th of March है, 11:27 हो गए हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है। आज हम जा रहे हैं एक नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता, चलिए चलते हैं शोरूम और लेते हैं आज एक नई गाड़ी। जैसे कि आपको पता है मेरे पास एक ही गाड़ी है, तो एक गाड़ी और चाहिए थी। अब देखना कि कौन सी गाड़ी की डिलीवरी हम आज ले रहे हैं। ये गाड़ी जो लेने जा रहा हूँ मैं, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी गाड़ी कंसिडर की, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है मैंने, लेकिन फाइनली मैंने प्राइस देख के, परफॉर्मेंस देख के, कंपनी का फीडबैक देख के फाइनली वो गाड़ी डिसाइड की है। जो गाड़ी डिसाइड की अभी थोड़ी देर में आपको मतलब चली जाएगा एंड ऑफ द डे। तो चलते हैं, लेते हैं डिलीवरी एक ऐसी गाड़ी की जिसके मार्केट में काफी दीवाने हैं, काफी हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी में उसका नाम आता है। 22 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ सिटी के अंदर, 52 मिनट की ड्राइव हुई है और देखो माइलेज का शो कर रहा है 19.8। और ये देखो भाई, ये है जिंदगी है मजे, कैसे भाई आराम से जिंदगी है मजे ले रहे हैं। और 19.8 है 22 किलोमीटर चलने के बाद, तो आप समझ सकते हो कि क्या कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। और आप भी खरीदते हैं तो आपको भी क्या मजे आने वाले हैं गाड़ी में। गाड़ी में ना सेंसर नहीं है, देखो मालूम नहीं पड़ता। देखो मैंने गाड़ी बिल्कुल भिड़ा के खड़ी कर दी है, तो ये सेंसर तो मुझे लगवाना ही पड़ेगा गाड़ी में, बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख लो गाड़ी टच हो चुकी है। अब जाता हूँ उधर से और गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। तो सेंसर की रिक्वायरमेंट तो इसमें है, पता नहीं महिंद्रा सेंसर इसमें क्यों नहीं लगा के दे रहा मैं, मुझे नज़र नहीं आता वहाँ पर आ गया। देखो आप तो पूरा भिड़ गया, अगर सेंसर होता तो मेरा ही रुक जाता, डेंट ना पड़ गया गाड़ी में। मैं आ गया हूँ टाटा मोटर्स पे, आ गया हूँ आर्य पे। और देखो ये खड़ी है गाड़ी, ये लें ये पंच लें या ये भी है, ये वाली गाड़ी लें, ये वाली गाड़ी लें, ये ऑल्ट्रोस, ये भी ऑल्ट्रोस है, वो भी ऑल्ट्रोस है, ये पंच है, या इधर खड़ी है निक्सॉन खड़ी है। सब गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार खड़ी है, और एक निक्सॉन उधर भी खड़ी है और एक ये खड़ी है ईवी। तो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा कि हम आर रहे मोटर्स पे कौन सी गाड़ी लेने आए हैं। ये हम टाटा के शोरूम पे आके बैठ के भी गाड़ी लेने के लिए पेपर वर्क चल रहा है हमारा। और ये देखो कितनी भीड़ है, जब कितनी गाड़ी कितने इनके है, जितने भी ब्लू वाले हैं सारा स्टाफ है, बाकी सब ये कस्टमर को देखो सब गाड़ियाँ लेने आए हुए हैं। अब हमारी गाड़ी भी मिलने वाली है, जैसे मिलेगी आपको बता दूंगा। थोड़े हटके गाड़ी ली है, अब की बार महंगी वाली गाड़ी नहीं है, थोड़ा रीजनेबल कॉस्ट में है, अभी आपको मालूम पड़ेगा। बस एक ही यूट्यूबर को बुलाया मैंने गाड़ी कवर करने के लिए, वो है संजीव जी। तो यही हाँ यही गाड़ी कवर करेंगे पूरी आज मेरी। और गाड़ी भाई ये बताएंगे कौन सी गाड़ी है, गाड़ी ले लेंगे सर। हाँ गाड़ी बहुत सारी खड़ी है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने सारे पूरे कर दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स हो गए पूरे साइन हमारे, सर पेपर दे देते हैं इनको और गाड़ी का वेट करते हैं। ये लो बैठा, अब गाड़ी कब दे रहे हो भाई? सर बस 10 मिनट हो। ठीक है वेट कर रहे हैं, बस भाई गाड़ी मिलने वाली है और फिर आपको सरप्राइज देते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये गाड़ी भैया मोटी मोटी 20 लाख रुपये की है, लेकिन ये नहीं पता कि ये गाड़ी सफारी तो नहीं है। ये खड़ी है हमारी सफारी गाड़ी की कॉस्ट, ये खड़ी है हैरियर, और गाड़ी की कॉस्ट है मोटा मोटा 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये की तो भैया सफारी भी आ सकती है, हैरियर भी आ सकती है, नीचे वाला मॉडल और दूसरी गाड़ी भी आ सकती है। बढ़िया सफारी खड़ी है हमारी। गाड़ी तैयार कर दी है भाई उठाने के लिए पर्दा, ये खड़ी है गाड़ी, अगर आप फ्रंट से पहचान सकते हो तो पहचान लो ये है। अब आपको हो सकता है हैरियर लग रही हो, कौन सी गाड़ी आप देख लीजिए। अब इसी गाड़ी की डिलीवरी हम लेंगे आज, इस गाड़ी की डिलीवरी के लिए आए हैं, इसके लिए छिपी हुई है, जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कौन सी गाड़ी है, तो बने रहिए मेरे साथ। आर्या मोटर संडे है, देखो 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी गाड़ी डिलीवर करते हैं दिन में भाई। ये केक भी काटेंगे, केक कटिंग सेरेमनी भी होगी, अभी दिखाते हैं आपको केक कटिंग सेरेमनी। और संजीव जी अच्छा केक कटिंग भी कर रहे हैं तो संजीव जी आए भाई सब, पर चलो कोई फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही लेते हैं। हाँ क्या डिस्काउंट दे देते गाड़ी इतनी बड़ी है, क्या छोटा सा गाड़ी है, मत करना सर। कौन सी गाड़ी ले रहे हो वैसे? सरप्राइज है, सरप्राइज है, चलो अभी ये सरप्राइज है, देखते हैं सर कौन सी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। सर एक बार बताओ।
गाड़ी की लंबाई देख लो, आपको अंदाजा लग जाए कौन सी गाड़ी है। गाड़ी बहुत लंबी है, इंजन स्लांट भी हो रही है, बस अब पर्दा उठाने ही वाले हैं गाड़ी का। फाइनली टाइम आ गया भाई डिलीवरी लेने का। आप भेज बंदों को नरेश भाई, आप डिलीवरी लेंगे रिपर हटेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी गाड़ी है। कैमरा मैन हमने हायर कर लिया, डिलीवरी ले रहे हैं, अभी रिक्शा की डिलीवरी ले रहे हैं आज अपनी गाड़ी। बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ जी, आओ। अरे आपने डिलीवरी आपने लेनी है, आ जाए संजीत भी आ जा। तो भैया फाइनली गाड़ी की चाबी हमने हैंड ओवर कर दी है, थैंक यू सर। ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये पापा जी देंगे, ये एक्चुअल में गाड़ी भैया हमने ले रहे हैं, ये ले रहे हैं गाड़ी संजीव जी। अरे उसको कौन, नहीं नहीं गाड़ी तो बता चुके हम, लेकिन आज का जो ब्लॉग था ये था सिर्फ इस गाड़ी की डिलीवरी का, तो डिलीवरी हमारी हो गई है। तूने अभी इको स्पोर्ट भी ली थी मेरे से, अरे भाई ने इको स्पोर्ट ली थी, आज ली मैक्स है। कितनी गाड़ी खरीदेगा एक्चुअली? क्या है सर, आपकी इको स्पोर्ट है ना वो डीजल पे की है, ठीक है ना, मुझे वो चाहिए थी तो मुझे पेट्रोल पंप पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए मैंने ली नेक्सॉन ईवी। ये कितने की पड़ी? ये पड़ गई अपने 15,40,000 की पड़ेगी आज से 3 महीने बाद में। अच्छा, अभी कितने पैसे अपने, अभी कॉस्ट वैसे है कितने की है? ये 1,750 इसका एक शोरूम प्राइस है, प्लस इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ RTO सब मिला के मैंने यहाँ पे टाटा के शोरूम पे दिए 18,10,000 रुपये। और उसके बाद में इसमें से मेरे को सब्सिडी आ जाएगी, 3 लाख के आसपास सब्सिडी आ जाएगी, तो 15.5 लाख की पड़ जाएगी, 15.5 लाख की पड़ जाएगी। इसलिए मैंने जो है अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स चूज की है। चलती कितने रेंज की है इसकी? रेंज कंपनी क्लेम करती है 453 किलोमीटर, और मैं इसकी उम्मीद करता हूँ 300 किलोमीटर के आसपास। 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है। 300 किलोमीटर हम इको स्पोर्ट को या और गाड़ी को चलाते हैं ना तो लगभग 5-6 हज़ार का खर्चा आ जाता है। चलो आप एक काम करो, गाड़ी को चलाओ, इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलो बहुत मुबारक हो आपको। तो भाई ये डिलीवरी थी संजीव जी की, और इनके चैनल में जाना है, नए लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे आपको, बता देंगे गाड़ी कितनी चलती क्या नहीं चलती। टेम्प्रेरी नंबर प्लेट लग रही है, अब तो आपको मालूम पड़ गया कि ये टाटा की निक्सॉन ईवी है, ईवी मैक्स। आफ्टर रिबेट, आफ्टर जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, थैंक यू वेरी मच हरियाणा सरकार को, जो कि ईवी गाड़ियों के ऊपर इतनी सब्सिडी दे रही है। ये गाड़ी 15-15.5 लाख की पड़ जाएगी आपको, जिसकी चलाने की आपकी माइलेज आएगा, कॉस्ट आएगी 1 रुपये से भी कम। वैसे हम 5 या 6 रुपये देते हैं, तो बहुत अच्छा है। हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे रहे तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खूब दिखेंगी। भैया बंद कर दो। और अगर आपको भी ईवी गाड़ी लेनी है तो जरूर लीजिए, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आने वाले 1-2 साल के बाद मैं ईवी की गाड़ी पक्का लूंगा, अभी तो मैं स्कॉर्पियो को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद मैं ईवी की गाड़ी, मेरी नेक्स्ट कार जो रहेगी वो ईवी रहेगी। तब तक बैटरी वैटरी की कॉस्ट और कम हो जाएगी, टाटा खुद अपना प्लान लगाने वाला बैटरी का, तो निक्सॉन मैक्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन डिलीवरी ये मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी, संजीव जी हैं ये, कभी उन्होंने मेरी इको स्पोर्ट भी ली है तो उनको मैंने कवर किया था, तो ये डिलीवरी तो मैंने ले ली है, उनका डिलीवरी पे आप कोशिश जरूर रहना, तो डिलीवरी पे हमको हैंड ओवर कर दिया, डिलीवरी तो ली है पर डिलीवरी मेरी गाड़ी की नहीं है, ये उनकी गाड़ी है। तो फ्रेंड्स आई एम सॉरी अगर बुरा लगा, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग, और भाई वो ट्रैवलिंग वाले वीडियो देखते रहना प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।